और मेरे हस्बैंड जो हैं हम दोबारा से जा रहे हैं शॉपिंग पे, बच्चों के साथ भी जाएंगे शॉपिंग पे, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग जो है शॉपिंग मॉल आ गए हैं। मेरे पास ये वाला कलर नहीं है, कलर तो अच्छा है वैसे, ये और रेशमी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गर्मियों में खास। गाइस इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो है फैंसी है शादी यहाँ पे पहनने वाले हैं। गाइस यहाँ जो है मुझे कोई कलर और डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चले एथनिक पर चलते हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं हम एथनिक पे जा रहे हैं। मुझे पसंद आता है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं इसको रहने दो, कितना गुस्सा चढ़ता है जब पाकिस्तान जो है इंडिया से हारता है, तो बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए ब्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ, और गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और जी मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम दोबारा से जा रहे हैं शॉपिंग पे, और आपको पता है कि हमने एक एक सूट लेकर आए थे, तो खैर बच्चों ने अभी जो है शॉपिंग करनी है, तो वो हम उनके लिए तो वैसे ही सूट लेके आए थे। आपको पता है गर्मियों में वैसे भी जो है जितने भी कपड़े हों घर में पहनने के लिए उतने ही कम होते हैं गर्मियों में, और इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, बच्चों के साथ भी जाएंगे शॉपिंग पे, लेकिन इस वक्त जो है मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले तुम शॉपिंग कर लो, इस दफ़ा जो है वो ख़ुद मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं, वरना तो वो हमें पैसे दे देते हैं और कहते हैं जी जाओ खुद शॉपिंग करो, लेकिन मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग नहीं कराते। अब तो वो कहते हैं तुम लोग अपनी पसंद से लेते हो तो जाओ फिर लो। फिर मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी पसंद से भी लूँगी, और आपने देखा था कि पिछली दफ़ा भी जो है मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का कलर लिया था, उन्होंने खुद ही बल्कि मुझे पसंद करके दिया था। फ्रेंड्स हम लोग जो है शॉपिंग मॉल आ गई है, लेमन कलर यारो तो अभी लिया मैंने वैसे भी। मेरे पास ये वाला कलर नहीं है पर्पल, नहीं नहीं वो नहीं लगा, ये वाला मेरे पास नहीं है वैसे पर्पल कलर, नहीं कैसा लग रहा है ये कि अगर ये हाँ इसके साथ ये वैसे भी शॉर्ट था ना आगे से भी, इसके साथ जो है जीन्स होती है, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी इन्होंने ट्राउज़र दिया हुआ है ब्लैक। क्या सिर्फ शर्ट है ये ना, कलर तो अच्छा है वैसे है ना, कलर वाइज अच्छा है कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं ये अच्छा है, अच्छा है ईद के हिसाब से तो देखें तो अच्छा है ना ये वाला। लार्ज साइज इसमें है होगा आपके पास, साइज कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, नहीं पन नहीं है, ये भी रेशमी सही है, और रेशमी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गर्मियों में ख़ास तौर पे, नहीं ये नहीं मुझे इतना अच्छा लगा। इस तरह का मेरे पास एक पहले था याद है ब्लैक कलर का गोल्डन में ब्लैक। गाइस इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मुझे दिखा रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, कह रहे हैं कि साइड पर आ जाओ, और ये सारे जो हैं वो है फैंसी है शादी यहाँ पे पहनने वाले हैं, हाँ वो जो डमी पे लगा हुआ है वो है। गाइस यहाँ जो है मुझे कोई कलर और डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चले एथनिक पर चलते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम एथनिक पे जा रहे हैं, और वहाँ से देखते हैं मुझे कोई अच्छा लग जाए। गाइस मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तो मैं पिछली दफ़ा भी जो है एथनिक पे कोई पसंद नहीं आया था, तो मैंने कहा चले जा कर देख लेते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर इधर से ही ले लेंगे यहाँ पोश से। एथनिक पर आए हैं, देखें जा रहे हैं इतनी गाइस कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो मुझे पसंद आता था तो हस्बैंड कहते हैं नहीं इसको रहने दो, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं कहती हूँ ये ले लेते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता, जो उन्हें पसंद आता है मैं कहती हूँ नहीं ये मुझे नहीं अच्छा लगा। इसमें कोई कलर और है सेम अगर ये डिज़ाइन,
लेकिन कलर हमें चेंज चाहिए। नहीं मैम, हर डिज़ाइन बस और नहीं है। आज क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, जो अच्छा लगता है उसमें कोई ना कोई मसला ही हो जाता है। ट्राउज़र ट्राउज़र भी है, दुपट्टा भी है। वैसे दुपट्टा नहीं होता इनका, एथनिक वालों का। हाँ, वैसे दुपट्टे नहीं होते। क्या हुआ? हाय हाय कर रहे हैं। प्यास लगी आपको भी? कमर टूट गई है। ऑफिस से आए थे गाइस, कल मैच था। कल मैच की वजह से ये मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं गए हैं। और आपको पता है कि मर्दों को कितना क्रेज़ होता है। एक वक्त में मुझे भी बहुत क्रेज़ था, मैं भी बहुत दीवानी थी क्रिकेट की। लेकिन जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच, बहुत ज़्यादा जो है मज़े का होता है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होती है, एक्साइटमेंट सॉरी बहुत ज़्यादा होती है। बट आजकल जो है पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हार जाते हैं, और इसीलिए मैंने तो छोड़ ही दिया है। क्योंकि जो अगर आप देखोगे तो फिर आपको बहुत दुख होता है और आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो इसलिए मैं तो नहीं देखती, फिर टेंशन शुरू हो जाती है। तो खैर मेरे हस्बैंड रात तक जाते रहे हैं, मैच देखते रहे हैं, और कल इसलिए हम शॉपिंग पे नहीं आ सके। तो अभी मुझे प्यास लगी थी तो मैंने कहा भाई सोडा पिला दें, बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं वो हम बाद में लेंगे। कपड़े जो है वो मैंने ले लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान हार जाता है, फिर भी आप जो है मैच देखते हैं और टेंशन लेते रहते हैं। आप टेंशन नहीं लेते? क्यों, कितना गुस्सा चढ़ता है जब पाकिस्तान जो है इंडिया से हारता है, तो बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है। गाइस मैं घर से खाना खा के आई थी और मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी और पुलाव पका हुआ था, तो मैंने कहा मैं तो खाना खा के जाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है, उन्हें भूख नहीं थी, वो कह रहे थे मैं घर जा के खाऊँगा। गाइस मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कौन आइसक्रीम खा लो और मुझे कौन आइसक्रीम नहीं खानी है। तो मैंने कहा, मैंने एक वीडियो देखी थी कौन आइसक्रीम जो होती है उसकी जो मशीन होती है उसके अंदर सफाई तो वो करते नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे जिसमें कीड़े थे, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। हस्बैंड कहते हैं क्या कीड़े तुमसे बड़े हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जो हूँ कीड़ों वाली बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खाऊँगी। ये दे दो वनीला और ब्लूबेरी मिक्स। डबल डबल का एक जो है ना ये कलर डाल दो, ये हाँ बहुत डालेगा ना इसे। अच्छा फिर मैंगो डाल देना। अच्छा मैंगो डाल दे। हाँ आइसक्रीम खाने के लिए आए और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खा रहे। क्यों, आप क्यों नहीं खा रहे? नहीं दिल जा रहा? वैसे मैंने कभी खाना भी नहीं खाया, घर जाके खाएंगे। जी गाइज अब मैं जो है इंजॉय करने लगी हूँ आइसक्रीम, क्योंकि आपको पता है कि शॉपिंग के बाद जो है आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। आइसक्रीम जो है वो हमने खा ली है और अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं। हम लोग जो है घर आ चुके हैं और जी कपड़े जो है वो मैंने ले लिए हैं, और कौन सा कलर है कैसे हैं वो तो मैं आपको ईद पर ही पहन के दिखाऊँगी। और जी आज का व्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और रुके रुके अगर अभी तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करें और बेल भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।